एलएमएस में मैंने वो आपको लिंक भी भेजा था, उसमें क्या करेंगे आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे, फिर उसमें आएगा आईडी, ठीक है? आईडी आपका है, यस सर। आईडी 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 लिखना आपको 011 0044045। सर यूजर नेम और पासवर्ड। हाँ यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम लिखना आपको 011 011 0044 05 05। फिर लिखना है LA11 से क्या लिखना है? 11 11 फिर अपना रोल नंबर देना। ठीक है, रोल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल नंबर 3 है तो आप दीजिए 003, अगर आपका 11 है तो 011, अगर आपका 132 है तो आप देंगे 132। ठीक है, 3 डिजिट का देना है। पर ये नहीं हो रहा है, ये दिखा रहा है इनवैलिड यूजर आईडी। इनवैलिड तो नहीं दिखाई, क्या लिखा आपने? 011 0011 00 04 05। हाँ ये हो गया, आईडी हो गया ना। फिर पासवर्ड देना है ना नीचे, वो चीजें है ना, आईडी हो, पासवर्ड पासवर्ड लग ही नहीं रहा है। क्यों सर रोल नंबर से पहले 00 लिखना है ना? ना? पूरा आप देखिए, पहले लिखना है 011 यस सर। 004405, फिर 11, फिर रोल नंबर देना 3 का। नहीं हो रहा है दानिया, अभी तो यूजर नेम नहीं दिया ना, पासवर्ड तो नहीं दिया ना। आप में से हो गया किसी को? हमने तो बहुत पहले किया है ये, जैनब और मैंने, आपको नहीं हुआ शायद। मुझे नहीं हो रहा है। फिर आपका जो रोल नंबर है ना वो और कुछ होगा, आपने पासवर्ड नहीं दिया, अभी कहाँ होगा पासवर्ड के बगैर? अपना नाम लिखो पासवर्ड में और फिर लिखो साथ में 21, फिर होगा। हाँ क्या क्या आपने क्या बोला? जो यूजर नेम वही देना है जो मैंने बताया, और पासवर्ड देना है अपना नाम संभाल में, जी सर, वो साथ में लिखना 21, MAC 21। ओके जी, पहले पढ़ेंगे आप, बाद में कीजिए आप, ठीक है? फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आपको कोई डिफिकल्टी कहीं आ गई। ओके, पहले क्लास पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप का जनरल सिंटैक्स जो है, फॉर पहले हम फॉर लिखते हैं, यहाँ फॉर के बाद इनिशियलाइजेशन लिखते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कहाँ से शुरू करना है, चेक हम बार बार चेक करते हैं, अगर वैल्यू ट्रू है तो ये चलेगा, लूप चलेगा, अगर वैल्यू फॉल्स है, ठीक है, अगर वैल्यू फॉल्स है तो लूप नहीं चलेगा। बात आ गई समझ में? अगर ट्रू होगा तो चलेगा, ठीक है, अगर ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड हो गई? दूसरा स्टेप। तीसरा है अपडेशन, यानी बढ़ाना या घटाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से 10 तक प्रिंट करना है तो मैं एक एक बढ़ाऊंगा, पहले 1 प्रिंट करूंगा, फिर 1 ऐड करूंगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 1 और ऐड करूंगा, 3 प्रिंट होगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट है, या एक स्टेटमेंट मैं इसमें रन कर सकता हूँ, या ब्लॉक ऑफ कितने स्टेटमेंट में इकट्ठे रन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर नेचुरल नंबर लेस देन 10 प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँ, फॉर int i इक्वल टू 1, i कहाँ से शुरू होगा, 1, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। i लेस देन 10 कहाँ तक चलेगा, i प्लस प्लस, यानी हर बार एक ऐड होगा, पहले 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, ठीक है? फर्स्ट द वैल्यू ऑफ i इज इनिशियलाइज्ड, देन द वैल्यू ऑफ i इज टेस्टेड, पहले वैल्यू i का वैल्यू इनिशियलाइज होता है, 1 बन जाता है,
फिर ये टेस्ट किया जाता है क्या वैल्यू सही है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो चलेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं चलेगा। इफ द वैल्यू ऑफ आई लेस देन 10, यहाँ इस केस में अगर आई का वैल्यू 10 से कम है, द स्टेटमेंट इन साइड द लूप फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड एंड द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होंगे और आई का वैल्यू बार बार 1 इंक्रीमेंट होगा। इफ द वैल्यू ऑफ आई इज नॉट लेस देन 10, अगर आई का वैल्यू लेस देन 10 नहीं है, यानी 10 से आगे गया, द लूप टर्मिनेट, लूप खत्म होगा एंड द कंट्रोल गोज आउटसाइड द फॉर लूप और कंट्रोल फॉर के बाहर जाएगा। हम इस पर प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, ऑल्ट एफ करेंगे, फिर न्यू पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको सेव करेंगे, ऑल्ट एफ और नीचे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, सेव होगा, इसको नाम देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे for.cpp। ओके, सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, याद है आपको, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद हैश इंक्लूड iostream.h, उसके बाद वाइड मैन। ओके, यहां तक। पहले मैसेज प्रिंट करवाएंगे, सी आउट। ये लिखेंगे natural numbers less than 10 or। ठीक है, इसको स्पेस देंगे। इसके बाद हम चलाएंगे for loop for int i equal to 0, i less than 10, कहां तक चलेगा, i less than 10, फिर i प्लस प्लस, सी आउट, यानी प्रिंट करना है किसका वैल्यू, i का वैल्यू, सी आउट i, फिर हम स्पेस देंगे, कॉमा देंगे, सी आउट i, मॉन्स्टर उसको कॉमा कॉमा। इसके बाद लिखेंगे गेट सी एच, Alt F, S, सेव करेंगे। अब इसको कंपाइल करेंगे, Alt C, क्या कंपाइल, कोई एरर नहीं है। इसके बाद Alt R करेंगे, देखिए आ गया, लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके नीचे आ गया। इसको मैं देखिए, इंटर,
ऑल्ट सी करेंगे दोबारा, ऑल्ट और रन करेंगे, आ गया नेचुरल नंबर लेस देन 10 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो क्यों आ गया, क्योंकि हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ जीरो से शुरू कर दिया। देखिए एक चेंज करते, एक तो लिखेंगे यहाँ, एक यहाँ लिखेंगे हम सी एल आर एच सी आर, यानी पुराना आउटपुट होगा वो डिलीट होगा। ठीक है, अब दोबारा रन करेंगे, पहले सेव करेंगे, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कैसे आ गया देखिए, अच्छा ब्लू स्क्रीन आते हैं मैक, हेलो जी सर, आप कौन है, जैनब आपको, यस सर, और कौन है इस वक्त, तो कोई नहीं, तीन ही है, तीन कौन कौन, तीन एक दो जैनब महक और दानिया, हाँ दानिया, दानिया आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं, देखिए जी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले ये मैसेज प्रिंट होगी स्क्रीन पे, नेचुरल नंबर्स लेस देन आर, देखिए मैं आपको आज दोबारा इस प्रोग्राम इसी तरह समझाऊंगा। ये हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ सी आउट है ना, ये सी आउट, इस सी आउट का मीनिंग किस फाइल में, किस फाइल में, कोनियो डॉट एच में, बात आगे समझ में, इसलिए हम इस फाइल को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो हम हैश इंक्लूड इस्तेमाल करते हैं, जो हम यहाँ गेट से इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग इसमें, किसमें, आईस्ट्रीम डॉट एच में। आप देखिए अगर मैं इस्तेमाल न करूं, देखिए इसको मैं बंद करूं, ये हो गया बंद करना, अब ये काम नहीं करेगा। अब मैं दोबारा इसको करूंगा ऑल्ट सी और कंपाइल करूंगा, कितनी एरर आ गई, दो एरर आ गई ना, कितनी एरर आ गई, टू एरर्स, ठीक है, आप देखेंगे कहां कहां एरर आ गई। ठीक है, एक आ गया फंक्शन सी आर एस आर शुड हैव प्रोटोटाइप, जो सी आर एस आर फंक्शन इस्तेमाल यहां किया, इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, इसका प्रोटोटाइप यानी इसका मीनिंग को पता ही नहीं है, क्योंकि इसका मीनिंग इस फाइल में था, इस फाइल को हमने बंद करके रखा है, ठीक है, बंद करके रखा है, इसलिए सी एल आर एस सी आर इसको समझ नहीं आता ये क्या है, क्योंकि इसको तभी समझ आएगा जब ये फाइल होगी कौन यू डॉट एच। और कौन सी एरर है इसमें, दूसरी एरर गेट सी एच, और जो गेट सी एच है, गेट सी एच इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन भी किस में, कौन यू डॉट एच में, बात आएगी समझ में, हम कौन यू डॉट एच इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी सी एल आर एस सी आर जो नीचे लिखा है, इसकी डेफिनेशन, इसका मीनिंग कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में है, और गेट सी एच का मीनिंग भी कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में है, इसलिए ताकि इन दो का मीनिंग कंप्यूटर को समझ आ जाए ये दो क्या है, सी आर एस सी आर। ओके हो गई ये, अब हम इसको करते हैं ओपन, देखिए ओपन किया अभी चलेगा, आर सी करेंगे दोबारा, कंपाइल करेंगे, एरर आ गई नहीं, क्योंकि अब इन दो का मीनिंग पता चल गया, वो फाइल ओपन कर दिया हमने। इसके बाद ऑल्ट आर रन करेंगे इसको, ठीक है, नेचुरल लेस देन 10 आर, ये बाद नीचे हम समझाएंगे। इसके बाद हैश इंक्लूड आईएसटीएम डॉट एच, अब हम इसको बंद करेंगे, देखेंगे क्या एरर आएगी, ऑल्ट सी करेंगे, एक एरर आ गई, कौन सी एरर, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, जो सी आउट हमने इस्तेमाल किया, सी आउट का मीनिंग, सी आउट रिजर्व्ड वर्ड है, इसका मीनिंग किस में, आईएसटीएम डॉट एच हेडर फाइल में है, बात आगे समझ, ओके
आका समझ करें इस्तेमाल कोनियो डॉट एच और आयो स्ट्रीम डॉट एच। ओके इसके बाद हम जाएंगे नीचे, इसके बाद है वाइड मेन। वाइड मेन है मेन के जो जो जिससे जहां से प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है, वाइड मेन से प्रोग्राम शुरू होता है। इसके बाद ये ब्रेस, जितने ब्रेस ओपन होंगे इतने क्लोज होंगे। मैंने एक ओपन किया और एक क्लोज किया, यानी यहां से यहां तक इन दो ब्रेस के दरमियान, इस ब्रेस से लेकर इस ब्रेस तक, कर्ली ब्रेस तक, जो इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस कॉल्ड बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की बॉडी है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा सीआरआर एसआर क्या करता है। सीआरआर पुराना जो आउटपुट था वो डिलीट करता है। आप देखिए क्या इसे ये काम करता है, मैं इसको बंद करके रहा, मैं करूंगा ऑल्ट सी, किया कोई एरर नहीं, ऑल्ट आर किया। आप देखो जो से पहले मैंने लिखा था लेस देन 10 आर वो भी आ गया, और इस वक्त दोबारा रन हो गया वो भी आ गया, यानी पुराना भी रह गया और नया भी रह गया। अगर मैं चाहूँ जो पुराना आउटपुट हो वो खत्म हो जाए और जो नया आउटपुट हो सिर्फ वही दिखाई दे एक ही बार, तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, सीआरआर लिखते हैं। देखिए इसको मैं आप दोबारा ओपन करूंगा, अब लिखूंगा मैं ऑल्ट सी, ठीक है, ऑल्ट सी करके इसको कंपाइल करूंगा, कोई एरर नहीं है। ओके इसके बाद करूंगा ऑल्ट आर, देखिए आप जो पुराना आउट एक ही बार आ गया, अब पुराना आउटपुट जो था वो खत्म हो गया। ओके ओके इसके बाद सी आउट, इसके बाद है सी आउट। सी आउट का मतलब है प्रिंट करना। सी आउट के बाद जो भी इस डबल कोट में होगा वो डायरेक्ट प्रिंट होगा किस पे, ब्लैक स्क्रीन पे, समझ आ गई बात। सी आउट के बाद यहाँ से यहाँ तक जितना भी होगा ये किस में प्रिंट होगा, ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अगर आप इसमें कुछ गलत भी लिखोगे ये एरर नहीं देगा, क्योंकि ये यही कॉपी करके वहां ले जाता है, ये नहीं देख इसमें क्या लिखा है, ठीक है, यही कॉपी करके। बैक स्लैश एन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश एन हम नई लाइन पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नई लाइन पे जाने के इस्तेमाल करते हैं, यानी ये लिखा जाएगा नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन, हमने 10 नहीं लिखा फिर भी इसने एरर नहीं दी, क्योंकि ये ऐसे कॉपी करेगा लेस देन आर। तो जब बैक स्लैश एन आ गया तो क्या होगी, ये एक लाइन पे आ गया, जो इसके बाद कुछ आएगा वो दूसरी लाइन पे आएगा। ओके अब यह समझा फॉर लूप, यहां से फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ। ओके देखिए क्या है? पर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू क्या होगी पहले, जीरो, बताया आपको समझ में, आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, आई की वैल्यू पहले क्या होगी, जीरो होगी। ओके फिर हम चेक करेंगे आई लेस देन 10, आई की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो लेस देन 10 ट्रू है ना, तो क्या प्रिंट होगा, सी आउट, सी आउट मीन्स प्रिंट करो क्या, I, I means I की वैल्यू, तो क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा, जीरो प्रिंट होगा, ठीक है, क्या गया प्रिंट, I के लिए क्या जीरो, जीरो प्रिंट होगा, जीरो के बाद I की वैल्यू के बाद है डबल कोट में क्या है, कामा, कामा प्रिंट होगा, हो गया कामा प्रिंट, तो समझ रहे हैं। ओके इसके बाद है I प्लस प्लस, I प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू एक बार जाएगी, आई की वैल्यू क्या थी, जीरो, आई की वैल्यू क्या बनेगी, वन, आई प्लस प्लस मीन आई की वैल्यू एक बढ़ाओ, आई का वैल्यू क्या था, जीरो, अब इसके एक वैल्यू बढ़ गई तो क्या बन जाएगा, वन,
ठीक है, तो इसका वेल क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्या वन लेस देन टेन है, आई लेस देन टेन, वन लेस देन टेन है, हाँ टू है, अगर टू है तो यहाँ आएगा सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है वन है। ओके ठीक है, तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद क्या है यहाँ डबल कोट में कामा, कामा ही प्रिंट होगा, इसके बाद दोबारा आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या बनेगी आप टू, दोबारा क्या होगा क्या टू इज लेस देन टेन, यस ठीक है, अगर लेस देन टेन है ट्रू है तो क्या होगा आई की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी टू प्रिंट होगा, टू के बाद कामा भी प्रिंट होगा साथ में, जितनी बार आई का वैल्यू प्रिंट होगा इतनी बार कामा ही प्रिंट होगा, इसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होगी, यानी आई की वैल्यू बनेगी आई प्लस प्लस थ्री, सी आउट आई, आई की वैल्यू क्या बनेगी आप लेस देन टेन, आप थ्री प्रिंट होगा, ठीक है, आई की वैल्यू क्या बनेगी फोर, तो फोर भी लेस देन टेन है, देखो क्या प्रिंट होगा फोर प्रिंट होगा, इसके बाद क्या आई की वैल्यू क्या बनेगी फाइव, फाइव लेस देन टेन तो फाइव प्रिंट होगा, इसके बाद आई की वैल्यू क्या बनेगी सिक्स, क्या होगा सिक्स प्रिंट होगा, उसके बाद आई की वैल्यू क्या बनेगी सेवन, क्या प्रिंट होगा सेवन, क्योंकि सेवन लेस देन टेन, इसके बाद आई की वैल्यू क्या बनेगी एट, एट लेस देन टेन है तो एट भी प्रिंट होगा, इसके बाद आई की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी नाइन बन जाएगा, नाइन लेस देन टेन तो नाइन भी प्रिंट होगा। आप देखिए अब यहाँ क्या, अब आई की वैल्यू क्या बनेगी टेन, आई की वैल्यू क्या बनेगी टेन, अब देखिए यहाँ यहाँ आइए आप, आई इज लेस देन टेन, आई की वैल्यू क्या है टेन, यहाँ देखिए राइट में टेन हो गई, टेन इज लेस देन टेन, ट्रू है फॉल्स है, टेन इज लेस देन टेन, नो टेन इज नॉट लेस देन टेन, ये फॉल्स है ना, तो अगर ये फॉल्स है तो ये अब नहीं चलेगा, ये सी आउट अब नहीं चलेगा, ये अब नहीं चलेगा, तो कहाँ पहुंचेगा कंट्रोल ऑफ गेट सी एच पे, गेट सी एच के बाद प्रोग्राम खत्म होगा, यानी हमारा क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट है नीचे है, ये प्रिंट होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ओके हाँ, लेकिन नेचर नंबर्स नहीं है, मैंने इसमें गलती की, मैंने जीरो बीच में लगा दिया, नेचर नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, नेचर नंबर्स वन से शुरू होते हैं, तो मुझे आप मुझे बताएं मैं क्या चेंज करूं कि जीरो खत्म हो जाएगा और वन से शुरू हो जाएगा, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आए, मुझे बताइए जी मैं क्या करूं चेंज इसमें, कुछ तो खुद समझ आऊ मैं फॉर्म कौन सी चेंज होगा, ये कहां से प्रिंट करता है जीरो से नाइन तक है ना, जीरो पे को शुरू करनी, जीरो का संयोजन में क्या लिखना, मैं क्या चेंज करूंगा फॉर लूप में, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा ये क्या दिखाता है ऑल्ट सी, इसके बाद ऑल्ट आर। ओके नेचुरल नंबर लेस देन टेन आउट, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, आप देख रहे हैं ना, क्या मुझे ब्लैक स्क्रीन अनस, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है प्रोग्राम का, हमने प्रोग्राम बनाया इसका आउटपुट ही है, मैं चाहता हूँ इसमें जो जीरो है ना जीरो नहीं आना चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आना चाहिए, पता है मैं क्या चेंज करूँ प्रोग्राम में, यहाँ सिंपल है जी, तो आई की वैल्यू क्या करूंगा, आई की वैल्यू वन से शुरू करूंगा, जीरो वन पर शुरू ना, आई की वैल्यू कहां स्टार्ट करूंगा वन से, तो वन से होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आएगा, देखिए आएगा या नहीं आएगा वो भी देखते हैं, देखिए आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाइन, आप जीरो नहीं आ गया ठीक है, अच्छा आप इसमें एक और चेंज कीजिए, मुझे आप आने चाहिए, मुझे आने चाहिए आप सॉरी एवन नंबर्स आने चाहिए, एवन नंबर्स क्या है,
टायर नंबर कहां से शुरू होते हैं मैं बताऊंगा। टू फिर फोर आना चाहिए, फिर सिक्स आना चाहिए, फिर एट आना चाहिए, फिर टेन आना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा या टेन भी आना चाहिए, बताइए क्या करूंगा या एट तक की। ये गए क्या नंबर्स, इवन नंबर्स। बता फॉर्म मैं क्या चेंज करूं, मुझे ये आना चाहिए टू। मुझे शुरू कहां से करना है, बड़े नंबर क्या कैसे होंगे समझे, आप समझने की कोशिश करो। बड़े नंबर क्या कैसे होंगे, टू वैसे टू इन बोझा किन के है आना चाहिए। तो आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू टू से शुरू होगी, कहां से शुरू होगी टू से शुरू होगी। लेकिन मैं हर बार दो दो ऐड करता हूँ, वहां क्या करता है एक एक ऐड, वन टू थ्री फोर फाइव, एक एक ऐड होता था। यहाँ कितने ऐड होने चाहिए, टू के बाद क्या आना चाहिए फोर, फोर टू सिक्स टू एट। तो मैं इसको क्या करूंगा, दो दो ऐड करूंगा। आप देखिए यहाँ मैं इसको दो दो ऐड करूंगा, यहाँ मुझे दो दो, यहाँ आई प्लस प्लस होगा एक एक ऐड करना। मुझे दो दो ऐड करना है तो मैं लिखूंगा आई इक्वल टू आई प्लस टू, यानी आई को दो दो ऐड करो। अगर मुझे तीन तीन ऐड करने हैं तो आई इक्वल टू आई प्लस थ्री,